अशु, मेरा बड़ा गंभीर सा सवाल इस पर यह है, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बाद में कोट करूंगी, एस जयशंकर को, आरबीआई को, नीति आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, इन सबको मैं बाद में कोट करूंगी। सबसे पहले चुनाव आयोग इसमें क्या महाराष्ट्र में अंडर द डॉग खड़ा होता है क्या कि पिछले 15 साल से महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए? पहली मर्तबा ऐसा है जब महाराष्ट्र के अलग और हरियाणा के अलग। और ये सियासी सरगर्मियों में खबर थी कि चाहती है महाराष्ट्र सरकार कि ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाए तब चुनाव हो। चुनाव टले अभी। देखिए गरिमा जी, आप मुझसे वो बात क्यों कहलवाना चाहती हैं जो प्रदीप भंडारी, संदीप चौधरी, कृष्णा जी और आनंद दुबे को अच्छी तरीके से पता है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नाम की चीज सिर्फ एक बिल्डिंग में सिमट कर रह गई है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। मैंने टीएन सेशन का वो जमाना देखा है जब इस तरीके के कदम उठाने पर सरकार और मुख्यमंत्रियों के टांग कांपा करते थे, किसी किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी इस तरीके से करे। ये खुलेआम चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है, और अगर चुनाव आयोग ही उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, अगर उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर चुनाव आयोग के बारे में किसी तरीके की टिप्पणी करने से का कोई मतलब बचा नहीं। जहां तक आपका जो सवाल फ्री बीज को लेकर सवाल था, देखिए इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। फ्री बीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि सरकारों ने काम करना बंद कर दिया है। और अगर आप सिर्फ हरियाणा का उदाहरण ले लें पिछले 10 साल का, तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पे है। 2014 में जब सरकार जब खट्टर साहब की सरकार आई थी, तब उस राज्य के ऊपर कब्जा था 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का कब्जा था। 2019 में बढ़के हुआ 1,85,000 करोड़, और 2024-25 के आसपास ये पहुंचने वाला है तकरीबन 3,17,000 करोड़। यानी डेट टू जीडीपी रेशियो जो 2014 में 16.23% था, वो 2023-24 में बढ़ के हो गया है 26.1%। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात मैं कर रहा हूं, यानी 10,000 पिछले 10 साल में जो राज्य के ऊपर, जो हरियाणा राज्य के ऊपर जो कर्जा था वो 70,000 करोड़ था, वो बढ़ के अब 3 गुना से ज्यादा हो गया है। तो जब सरकारें काम नहीं करेंगी, और ये तो प्रधानमंत्री का अपना स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जो भी राज्य सरकारें या फिर जो भी सरकार अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, चुनावी रेवड़ियों के चक्कर में उन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। फ्री की रेवड़ियों से किसी का भला नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का भट्टा और बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो जब आप जब आपका कर्ज का हालत ये पहुंच जाती है, तभी तो आप रेवड़ियों की बात करते हैं ना। और प्रधानमंत्री जी ने तो खुद कहा था ये जो रेवड़ी कल्चर है ये देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात। ये बात मैंने नहीं कही, बल्कि उन्होंने 16 जुलाई 2022 को ग्वालियर में ये बात कही। वही प्रधानमंत्री जी को अगर ये लगता है कि बीजेपी को 5 अक्टूबर को, और आप देखिए अजीब इत्तफाक की बात, पहले 1 अक्टूबर को वोट होने वाला था, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को नोटिस, वहां उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई कुछ कारणों से आप इस चुनाव को टाल दीजिए। वो 5 तारीख को टाला जाता है और 5 तारीख को ही खाते में पैसे जा रहे हैं। तो ये महज इत्तफाक तो नहीं हो सकता ना, ये महज इत्तफाक तो नहीं है। और इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, नहीं लेना। लेकिन चुनाव आयोग के फिर एक और काउंटर सवाल ये भी है क्या आशु, कि चुनाव आयोग की शक्तियां भी सीमित है। चुनाव आयोग ने यह कहा कि फ्रीज बीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाएंगी उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चुनाव की तारीखें छोड़ दीजिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान उसके विशेषाधिकार में है, लेकिन पॉलिसी घोषणाएं क्या करेंगी सरकारें ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। काश टीएन सेशन आज होते। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, ये चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है कि जिस दिन वोट पड़ने वाला है उसी दिन उनके खाते में पैसा जा रहा है। ये डायरेक्ट घूस देने की कोशिश, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये कहकर नहीं बच सकता। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद 5 तारीख की डेट अनाउंस कर रखी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन भी इससे मुक्त नहीं हो सकता है। और मैंने टीएन सेशन का जमाना देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कोई मुकाबला ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस तरीके से टीएन सेशन ने चुनाव आयोग को स्थापित करने का काम किया, आज के चुनाव आयोग ने उस स्थापना को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया। आज इस देश, आप देखिए सरकार कहती वन नेशन वन इलेक्शन, और महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। और जो तर्क चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिया था, 20 साल के बाद जनता उस पर हंसेगी
कि एक जमाने में ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे जो इस तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। ये महाराष्ट्र वाला जो तर्क है आशु, ये कितना जायज तर्क है महाराष्ट्र वाला कि भाई चुनावी की मॉनसून है, त्योहारी सीजन है, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो सकता। आपने खुद भी अपने वक्तव्य में किया, मानसून अगर महाराष्ट्र के अंदर तो क्या पिछली बार चुनाव हो रहे थे तब मानसून नहीं था, पर अगर था तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आप साथ करा सकते थे ना, एक आध हफ्ते आगे पीछे कर देते। लेकिन अभी तक तो महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान भी नहीं किया गया है, यही दिखाता है बैड फेथ। और मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इसमें विपक्षी पार्टियां भी पीछे नहीं है ना आशु, भाई एमएसपी पर लीगल गारंटी का ऐलान किया कांग्रेस ने, राजस्थान में चुनाव हुए स्मार्टफोन बंटवा दिया अशोक गहलोत ने, और 6 महीना पहले कैबिनेट में अप्रूव किया वो पॉलिसी, भूपेश बघेल ने दुनिया भर की 36 में पॉलिसीज को लागू करने की ऐलान करने की एक तरीके से पहल की, तो विपक्षी पार्टियां कहां पीछे। संजय राउत कह रहे हैं हम भी बांटेंगे 3000 रुपए। वो ये इस हमाम में सब नंगे हैं, सब एक जैसे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब जब इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता है, जब जो हमारे संवैधानिक संस्थान है वो अपना काम नहीं करते, तब दिक्कत पैदा होती है। राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाएंगी। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों से अलादा प्रदीप जी, वॉट अबाउटरी में जाइएगा, लेकिन समय क्योंकि कम है, देश के प्रधानमंत्री ने खुद इस रेवड़ी कल्चर को एक नहीं कई मर्तबा सलाम किया, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश, फ्री के हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता, रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है और देश के विकास के लिए घातक है, और सबको एक्सपोज करो जी। तो क्या हरियाणा में खुद भी एक्सपोज होती बीजेपी दिख रही। गरिमा जी, पहले तो जिन सज्जन की बात आशुतोष जी ने करी वो 1999 में टीएन सेशन जी कांग्रेस पार्टी के टिकट से गांधीनगर का चुनाव लड़े थे, ये भी थोड़ा सा तथ्य पूरा बता दीजिए। क्या ये पहली बार हो रहा है, नहीं फैक्ट्स आगे जाने, क्या पहली बार हो रहा है कि किसी इलेक्शन की डेट चेंज हुई है। 2022 के अंदर पंजाब का इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था 14 फरवरी को, डेट लेटर रिवाइज हुई थी 20 फरवरी को, आम आदमी पार्टी जीती थी इनके हिसाब से, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्रोमाइज था। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान के असेंबली इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करी थी 23 नवंबर को, रिवाइज करी थी 25 नवंबर को, इनके हिसाब से तब भी इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज था। तो ये इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, जस्ट क्योंकि आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं अग्री करती, ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए। हरियाणा में फैक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूं, 2013 में हरियाणा का जीएसडीपी था 5.61 लाख करोड़, अब बढ़कर हो चुका है 9.94 लाख करोड़। हरियाणा पीछे नहीं गया है। नहीं तो एक सेकंड रुक, नहीं बता दिया, नहीं गलत बोला ना, ना उन्होंने कल की बात करी, हरियाणा पीछे नहीं गया है। गरिमा जी एक सवाल का जवाब सीधे जवाब दे दे, आपने मुझे बोला सीधे जवाब दूंगा, पर आपने मुझे बोला ना नोट करने के लिए, तो मुझे जवाब तो नहीं, इतने सारे समय, मुझे समय भी देखना है, 5 सेकंड में दूंगा। इन्होंने एक और झूठ कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, 5 सेकंड लूंगा। कर्नाटक का को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 280% ज्यादा दिया जितनी यूपीए सरकार ने देती थी, एक प्रूफ दिखा दीजिए कि हमने फंड होल्ड किया, वापस ले लूंगा। मुझे बताइए, झूठ बोल रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। 5 अक्टूबर को पैसा, मैं पहले सवाल पर इसलिए लौट रही हूँ क्योंकि चाहती हूँ कि प्रदीप आज इस सवाल का जवाब देकर जाए। बिल्कुल, 5 अक्टूबर को पैसा, 5 अक्टूबर को वोटिंग, 30 नवंबर तक का टाइम था, 30 नवंबर तक का, आगे पीछे हो सकता था। नहीं तो वो आपका चीज है, मैं वापस से कह रहा हूँ गरिमा जी, सरकार भाजपा की बन रही, उसके बाद भी जाके 10,000 रुपए मिलेंगे, तो इसमें किसान सम्मान निधि तो बंद नहीं हो रही। और क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई गवर्नमेंट ने उठा के जो है कुछ अनाउंस किया, नहीं, कांग्रेस पार्टी तो खुद अनाउंस कर रही थी, न्याय योजना अनाउंस करी थी, जब हमारी सरकार बनेगी 1,00,000 रुपए महिलाओं को देंगे, नहीं उनकी सरकार बनी, नहीं हो पाया। कर्नाटक के अंदर गृह लक्ष्मी की वादा किया था, नहीं दे पा रही, हम वादा कर रहे हैं जनता को, अगर हमारी क्रेडिबिलिटी में विश्वास आगे दे देंगे, अगर हम इलीगल कुछ कर रहे हैं, इंप्रॉपर कर रहे हैं, गरिमा जी प्लीज गो टू द कोर्ट। संदीप चौधरी, बहुत छोटा सा कंक्लूजन कि भाई एक उंगली आप उठाते हैं, दूसरों पर चार आप पर भी उठ जाती है क्या, बहुत जल्दी से बता दीजिए। देखिए गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसानों के कर्जा माफी की लड़ाई हो, चाहे किसानों को सम्मान देने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ किसानों का गोली देने का काम करती है। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन हुआ, बीजेपी ने एमएसपी और आड़त खत्म करने के लिए जो आंदोलन को बरगला के जो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणाएं की, लेकिन टीवी पे आके वो आज तक एक भी योजना लागू की क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा।